हनुमानगढ़ के नोहर में जिला विशेष टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की, जहां आलू के थैलों के बीच छुपाकर लाई जा रही शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया। मिली जानकारी के अनुसार डीएसटी नोहरा सेक्टर की ओर से मुखबिर की सूचना पर पंजाब की ओर से आ रहे एक कैंटर को रुकवा कर तलाशी ली। तलाशी में उक्त कैंटर को नोहरा थाना लाकर जांच पड़ताल की गई, जिसमें आलू के थैलों के बीच पंजाब निर्मित शराब की 290 पेटियां भरी मिली, जिनमें करीब 3400 बोतल भरी हुई थी। इस संबंध में थाना अधिकारी ईश्वरानंद ने बताया कि पकड़ी गई शराब पंजाब के किसी स्थान से जोधपुर जा रही थी। उन्होंने बताया कि मौके से ट्रक चालक को हिरासत में लिया गया है। हनुमानगढ़ से राजरतन पारिक की रिपोर्ट। हमारे थाने की और जिला विशेष स्पेशल टीम डीएसटी, उन दोनों ने मिलकर के एक शराब से भरा ट्रक पकड़ा है, जो पंजाब से एलनाबाद होते हुए आगे जोधपुर जा रहा था। इसमें आलू की बोरियां भरी हुई थी आगे पीछे ऊपर, उसके नीचे शराब की पेटियां हैं जो अलग अलग ब्रांडों की, करीब 290 पेटियां अलग अलग ब्रांडों की शराब है।